दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आपको दिखाने वाले वीडियो पाकिस्तान की है कि जो पाकिस्तान की लड़की बोलती है प्यार की कोई हद नहीं होती, माई लव इंडिया माई लव पाकिस्तान। तो एक भाई पाकिस्तान के है जो कि बहुत ही मजेदार शायरी मारने जा रहे हैं कि तू कहे तो चांद तारे तोड़ लाऊं, तू कहे तो सारे कायनात की खुशियां छोड़ दूं, इतना काफी है मेरी जान कि दो तीन और छोड़ दूं। तो चलिए आपको दिखाने वाले वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, वीडियो में बहुत मजा आएगा आपको। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है और बहुत ही मजा इसमें आएगा। और पाकिस्तान लड़की जो है शादी करने के लिए क्या बोलती है इंडिया के लड़कों से और अपने बारे में क्या बताती है हमें शादी करने के लिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बने रहिए एंड तक। क्या प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बात तो सही है, सही कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वी लव इंडिया, वी लव पाकिस्तान। तू कहे तो आसमान से तारे तोड़ दूं, तू कहे तो सारे कायनात की खुशियां मोड़ दूं, इतना काफी है मेरी जान या दो तीन और छोड़ दूं। प्यारी समझ गई। हाल चाल पहले से फर्क है? पहले से फर्क है, पहले क्या हुआ बता। दवाई ले रहा हूँ ना मैं अभी। किस चीज की? शादी के लिए। शादी के लिए हम दवाई ले रहे हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। कौन सी दवाई है जो शादी के लिए ली जाती है? ये लाहौर में काफी दवाखाने हैं, सैफ दवाखाना, सुलेमान दवाखाना और जर्मन हेल्थ सेंटर, बहुत सारे दवाखाने। क्या सवाल करो इनसे, मतलब क्या कोई मतलब इंटरनली इश्यूज का? नहीं, ये होता है शादी के लिए बंदे को थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए ना, अपनी फिटनेस का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, तो इसके लिए खोजा हम दवाई ले रहे हैं। प्यारी समझ गई। वो कुछ भी है, देखिए जी सेहत है तो सेहत से ही सारे मामला होते हैं ना। है तो जहान है, तो जहान है। मेरी बात का वो गलत मतलब मत लें। मैं सही सोच रही हूँ, जान है तो जान है, इसलिए तो पूछा कि कोई बीमारी तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हम बहुत फिट है, हमने तो अभी तीन शादियाँ करनी है। इतना फिट होना हमने। हाँ जी, उसके लिए दवाई तो जरूरी है ना। फिर एक तो एक भी नहीं हुई भी ना अभी, अभी एक के लिए तो इधर घूमने आए हम, अभी एक इधर कुछ देख रहा है, हमको मिल नहीं रहा। आप कहाँ से हैं? मैं ये हूँ ओकाड़ा से। तो उधर कोई नहीं मिली शादी के लिए, इसीलिए तो हम लाहौर में आया, लाहौर में जरा अच्छी लड़की मिल जाती है ना। मिली आज तक? अभी मिली नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। कितने टाइम से ढूंढ रहे हैं? तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया। प्यारी समझ गई। इस मॉल में आए ढूंढ रहे? हाँ जी, ये मुझे दोस्त ने बताया था कि इस मॉल में जाएं, बहुत अच्छा लाहौर का मॉल है, अमाना मॉल, तो यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह, ये कौन से लोग हैं? मैं सोच रही थी कौन से लोग हैं जो मॉल्स में जाते हैं लड़कियां ढूंढने, आज मैंने उन लोगों को पा लिए। ऐसे लोग हैं, ऐसे ये भी लड़की ढूंढने आई है, तो सारे खड़े इधर। कुड़ियां ढूंढने आए हो? नहीं, ये भी हमारा दोस्त है, ये भी पिशावर से आया है। पिशावर आपको से... ये भी खराब कर रहे हैं, ये आप सबको खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम मिलके खराब हुए हैं, सारे मिलके खराब हुए हैं। खराब होने की वजह ये हमारे दादाजी का मतलब असर हम पे पड़ा है। बात तो सही है। दादाजी ने कितनी शादियाँ की? दादाजी ने हमारे तकरीबन 5-6 शादियाँ की थी। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो वो फिट हैं, सेहतमंद हैं। 5 + 1 यानी 6 शादियाँ? हाँ जी, दादा हमारा बहुत फिट है, उसका 7 फुट हाइट है हमारा, 7 फुट उसका कद है, बहुत फिट है वो। 6 शादियाँ और बच्चे कितने थे उनके? बच्चे माशाल्लाह कोई 15-16 थे, मेरे चाचू काफी हैं। काफी चाचू हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप उनके कौन से बेटे में से थे? मैं जो था ना दूसरे वाले बड़े, उनमें हूँ। उनमें हूँ आप, और आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम तकरीबन, हम तो थोड़े हैं। कितने? हम तो सिर्फ भाई भाई हैं, बहन हमारा नहीं है, हमारे अबू की भी बहन नहीं है, ज्यादातर हमारी फैमिली में भाई हैं, लड़के भाई भाई चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। भाई कितने आप? भाई 3 है। हाँ, वाकई कम। हाँ जी वाकई। आपके बाप इम्प्रेस नहीं हुए थे, दादा बस, और आप इम्प्रेस हो? हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। ये क्या बात हुई? बस ये खानदानी सिलसिला चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये अपने बाप से इम्प्रेस ना हुए, ये अपने दादा से इम्प्रेस हो? ऐसे ही है बिल्कुल। क्या कैसी चाहिए उसमें क्या? मैं चाह रहा हूँ मैं भी अपने दादा की जो ना कदमों पे चलूं, तो दादा ने अगर इतनी की है तो हम भी तो 3-4 करें ना। वैसे भी
वैसे 16 बच्चे किए थे तो आप कितने करेंगे? इस्लाम में जायज है, इस्लाम में आप 4 शादियां कर सकते हैं। दादा ने तो 6 की थी, तो वो तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं ना। जैसे प्यारी समझ गई जैसे मेरी बात सुने, हमारे नबी में ने तो 11 शादियां की थी ना, तो इस्लाम में 4 शादियां कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, दादा ने 16 बच्चे किए, आप कितने बच्चे करेंगे? मैं इंशाल्लाह कुछ दर्जन तो करूंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा। एक दर्जन बहुत जरूरी है। एक शादी से देखे पाकिस्तान एक दर्जन एक शादी से नहीं, तकरीबन तीनों में से लोड डिवाइड हो जाएगा ना फिर। चार शादियां, 4 3 बार 12, हाँ जी, तीन तीन बच्चे। इंसाफ करूंगा तीनों के साथ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पाकिस्तान में ना इंसाफी क्या चल रहा? पाकिस्तान में ना इंसाफी हो रही है, लेकिन हम इंसाफ करेगा। हाँ जी। लड़की कैसी चाहिए? हाँ लड़की थोड़ी सी हेल्दी हो, आपकी तरह हेल्दी हो। हाँ नहीं, हेल्दी का ये साइन नहीं है, हेल्दी का ये साइन है। देखें लड़कियाँ जो ज्यादातर स्मार्ट हैं, सो स्मार्ट गोल गप्पे खाने में लड़कियाँ मुझे नहीं पसंद है। गजब बेइज्जती है। लड़की थोड़ी सेहतमंद होनी चाहिए, कोई अच्छे खाते पीते घर की होनी चाहिए। अब ये कोई बात ढूंढो फिर। सारी लड़कियाँ ऐसे स्मार्ट स्मार्ट पैंट शर्ट पहनी हुई, ये कुछ बात है भला करना? ये कोई बात है? ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। लड़की को खाना पीने वाला होना चाहिए, फिट होना चाहिए। बट ढूंढ लो ना। हाँ ये हम बट कढ़ाई वाला, उनके उनसे बहुत इम्प्रेस है। हम बट कढ़ाई भी जाएगा वहाँ पे, लाहौर की हर नुक्कर में ढूंढेगा, हर नुक्कर में ढूंढेगा, ऐसे कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। आप काम क्या करते हैं? सच्चे दिल से आप ढूंढने मिले, सच्चे दिल से आप कुछ ढूंढने लगे तो आपको खुदा भी मिल जाता है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। हाँ जी बात सही है, लेकिन उसको लड़कियों पे तो ना वो करो। देखें अगर ढूंढेंगे तो लड़की मिलेगी ना, वैसे घर बैठे तो आए नहीं। अपने अब्बा से कहो, अम्मा से कहो। अभी तक मैं उनको बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए मैंने सोचा अपनी मदद आप। इसलिए मैंने सोचा हम खुद करेगा, हम खुद करेगा। जो कोई ना कर सका वो हम खुद करेगा। हाँ जी खुद करेगा। मुझे ये बताओ, और वैसे भी कहते हैं खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। पागल होंगे, इनको लड़की चाहिए। आपने काम क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करते हैं? मैं स्टोर मैनेजर हूँ कॉस्मेटिक की कंपनी में, जो क्रीमें बनाते हैं हम। गोल्डन पर्ल फाजा ब्यूटी क्रीम, ये हमारा और है पार्ले कॉस्मेटिक। पार्ले का है? पार्ले का, वो ब्लीच बनाते हैं और अपना ब्यूटी क्रीम बनाते हैं, फेस वॉशेज बनाते हैं। हम आपको भी देगा ब्यूटी क्रीम। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे क्यों देंगे? आप पहली प्यारी हैं, आपको जरूरत नहीं है ब्यूटी क्रीम की। मैंने नहीं, उससे आर्टिफिशियल कलर आ जाता, अपना कलर आपका खत्म हो जाता। तो ये भी आपका आर्टिफिशियल ही है? नहीं, ये थोड़ा थोड़ा मेकअप है ना। तो ये आर्टिफिशियल ही है ना? ये तो चलो उतर के, ओरिजिनल होता है भाई। क्रीम से तो स्किन खराब हो जाती, इससे खराब नहीं होती ना। अच्छा मेकअप से स्किन खराब नहीं होती? अच्छा लगाओ तो नहीं होती। ये लड़कियां सुन लें, मेकअप से स्किन खराब नहीं होती। अच्छा लग, प्यारी समझ गई। लगाओ तो नहीं होती, बुरा लगाओ, सस्ता लगाओ तो हो जाए। आपने कौन सा लगाया, महंगा वाला क्या सस्ता वाला? नॉर्मल मिक्सचर, कुछ चीजें महंगी कुछ सस्ती। अच्छा अच्छा ये है उधर, हर चीज 300 रुपए में, हर चीज 300 रुपए में, वहाँ से लिया इन्होंने। अगर 300 वाली लगाई हो तो शिकायत शायद मेरी स्किन खराब। अच्छा अच्छा चले बहरहाल हम आपको अच्छे वाला देगा। दाढ़ी का क्या स्टाइल यूनिक है? ये जैसे लग रहा है फिल्म के कोई विलन, उनको ऐसे रखते हैं? विलन नहीं, ऐसा हीरो रखता है। हम हीरो कौन सा हीरो? हीरो लग रहा है क्या? विलन वाला दाढ़ी हमारा भाई? ना ना ऐसा नहीं है। संगे पखैर पुख्तून रहा का भाई। ये क्या हमने कहा? नहीं हमारा दाढ़ी अच्छे वाला है। अच्छे वाला। हाँ जी हाँ। कौन सा हीरो आपका फेवरेट? मेरा है सलमान खान। सलमान खान? सलमान खान क्यों भाई? सलमान खान को ये है कि वो बहुत पॉपुलर है। हाँ। उसने आज तक शादी नहीं की, हम इसलिए बहुत ज्यादा इम्प्रेस है उससे। आप तो शादी करने के चक्रों में इम्प्रेस तो वो होते हैं जो आप उसके नक्शे कदम पे चलो। ये बात तो सही है। हम इसलिए इम्प्रेस है कि वो इतनी शादियां कर सकता है, इतना उसके पास पैसा है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो शादी क्यों नहीं कर रहा। ये चीज शादी करना चाहते हैं, ये चीज हमारा बहुत ज्यादा दिमाग घूम रहा है। घूम ये पता नहीं उसने शादी क्यों नहीं की। जिसको पसंद करता है वो कहीं राइट लेफ्ट हो जाती है। हाँ वो बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। ओ, कैटरीना कैफ ने वो उसने आगे बेफाई कर ली और आगे किसी और शादी कर ली। विकी क्रोशर। हाँ विकी विकी, ये उसने बहुत ज्यादा बुरा किया उसके साथ। मूवी आ गई टाइगर 3। हाँ जी वो भी आ रही है कमिंग सून। तो
कैटरीना की सलमान भाई के साथ ऐसी है। हाँ ये मूवी में तो काम इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन हकीकी लाइफ में तो उसने धोखा कर दिया ना उसके साथ, बेवफाई कर दी। बेवफा लड़कियां होती हैं या लड़के? लड़कियां बहुत ज्यादा बेवफा हैं। बात तो सही है। से पता है लड़कियों ने तो लड़कों के नाम रखे थे, मुर्गा नंबर वन, मुर्गा नंबर टू, मुर्गा नंबर थ्री। ऐसे ही है। आपको कैसे पता है? ये एक लड़के ने दो मोबाइल रखे होते हैं, एक इधर के रख रहा होता है और एक इधर रख रहा होता है, दोनों के साथ बात कर रही होती है। ऐसे ही ऐसे सियासतें किसी को नहीं आती। ये लड़कियां बहुत तेज होती हैं। आपके साथ कभी किसी ने बेवफाई की है? नहीं, अभी मौका ही नहीं मिला। प्यारी समझ गई। सिंगर अभी मौका मिलेगा तो वफा या बेवफाई होगी ना। इंसान अगर खुद अच्छा है तो आगे भी इंसान को अच्छा। डायलॉग सुना दे। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और ये वाकई में नहीं सुन रहे अपने आप? नहीं नहीं, हम आपकी सुन रहे हैं ना इसलिए। शेर और शायरी आती है, कोई गाना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तू ही है मेरा दिल, तू ही है मेरी जान। अच्छा। तू ही है मेरी, तू ही है मेरा दिल, तू ही है मेरी जान। 20 रुपए की हलीम और 10 रुपए का नान। अभी मजा आएगा ना। तू कहे तो आसमान से तारे तोड़ दूँ। अच्छा। तू कहे तो सारे कायनात की खुशियां मोड़ दूँ। इतना काफी है मेरी जान, या 2-3 और छोड़ दूँ? ये भी बहुत अच्छा है। एक और सुनाऊँ? एक और सुना। पक्की सड़क बनाई सी टूट गई है, पक्की सड़क बनाई सी टूट गई है। मुसलमान है? हाँ जी मुसलमान। अच्छा। हो सकता है फिर ठीक है, मुस्लिम भी रहते हैं हम। इंडियन हाँ, की बात कर रहे हैं जी। ऑब्वियसली अगर वो इतनी जद्दोजहद करके आएगा फिर एक्सेप्ट कर ही लूंगी। अच्छा, इंडियन साड़ी या ज्वेलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो? नहीं इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन वो एस्थेटिकली बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे भी इंडियन साड़ीज। अच्छा। हमारी अम्मियों को शादियों पे पता नहीं मिली हुई थी तो वो देखी है, बहुत मजे की होती है। ज्वेलरी तो यहाँ पे कॉपी की जाती है इंडिया की, आई थिंक सो काफी हद तक। इंडिया में जाऊंगी तो मैं दिल्ली जरूर जाऊंगी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दिल्ली के बारे में बहुत सुना है, और मैं अगर पाकिस्तान में रहना हुआ तो लाहौर में नहीं रहूंगी। अच्छा, कहाँ रहेंगी? इस्लामाबाद में रहूंगी। और इंडिया जाएंगी, कौन सा उनका जो फूड स्ट्रीट है बहुत ज्यादा फेमस है पाकिस्तान में, उनका कौन सा फूड आप ट्राई करेंगी? भाजी ट्राई करूंगी। भाजी ट्राई कर जी। कोई इंडियन बॉय आपकी खूबसूरती देख के पागल हो जाता है तो क्या आप उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करके शादी कर लेंगी? अभी मजा आएगा ना। भिड़ो, ये तो लड़के पे डिपेंड करता है कि वो कैसा प्यार है, उसके पास क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए जी? उसके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए। हाँ। अच्छा एक्सेंट होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनता हो। हाँ। That's it. बस फिर शादी हो जाएगी? हाँ, इंडिया से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, it doesn't matter. अच्छा, अगर लड़के की शर्त हो कि हम आपकी जी शादी करके आपको इंडिया ले जाएंगे? नहीं, फिर नहीं। अगर वो पागल हुआ है तो फिर नहीं, तो फिर तो वो आ जाएगा ना। इफ ही इज सो मैड इन लव तो फिर वो आ जाएगा। मुसलमान है? हाँ जी मुसलमान। अच्छा। हो सकता है फिर ठीक है, मुस्लिम भी रहते हैं हम। इंडियन हाँ, की बात कर रहे हैं जी। ऑब्वियसली अगर वो इतनी जद्दोजहद करके आएगा फिर एक्सेप्ट कर ही लूंगी। क्या प्यार की? हाँ। प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सरहद नहीं होनी। हाँ। चाहिए ठीक है। वी लव इंडिया, वी लव पाकिस्तान। प्यारी समझ गई। सारी तो, और अगर कोई आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा है तो आपको उसको सराहना चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जी इंडियन बॉयज में? प्यारा होना चाहिए। इंडिया में थोड़े कम प्यारे लोग होते हैं, लेकिन प्यारा होना चाहिए। अच्छा, प्यारा होना चाहिए। और बस प्यार इंडिया की प्रॉपर्टी बताएं। और हाँ, और अमीर भी होना चाहिए। सिर्फ प्यारा होने से फर्क नहीं पड़ता, अमीर भी होना चाहिए। बात तो सही है। अमीर होना जी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सामने ही आजकल देखें, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, तो इसलिए अमीर होना भी चाहिए। पैसे के बगैर मोहब्बत भी नहीं चल रही ना? नहीं चलती। देखिए आप कितने दिन, 2 दिन प्यार करेंगे, 3 दिन प्यार करेंगे, अगले दिन खाना तो खाना है ना, तो जरूरत पड़ेगी। तो सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर बेशक आ जाए। ठीक है। कहाँ रहना पसंद करेंगी शादी के बाद या वहाँ? वो पहले बेचारा मेरे लिए आया, मैं चली जाऊंगी बाद में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पहले वो यहाँ आ जाए फिर हम चले जाएंगे। इंडियन बॉयज कहते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत प्यारी होती हैं, इस बात में कितनी रियलिटी है? 100% बात तो सही है। 100% पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत प्यारी होती हैं। पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, उनमें इतनी कशिश होती हैं। मतलब मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिली हूँ, मेरे यहाँ से 90% ऑफ देम उनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, सबकी ही। अब वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे पाकिस्तान ने ऐसे सेट कर दिए हैं कि रंग गोरा हो ही तो लड़की जो है वो प्यारी होगी।
लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। अक्सर आप लोगों को देखें पाकिस्तानी लोगों में, हर औरत में जब आप गौर करेंगे ना, स्पेशली उस सांवला रंग जो बादामी रंग होता है, बहुत कशिश होती है उन औरतों में। और पाकिस्तानी औरतें आप नॉर्दर्न में चले जाएं तो वो जो एक हमारा स्टैंडर्ड जो है वो सेट हुआ है, उसमें आपको परफेक्टली फिट हुई हुई फिगर्स मिलेंगी, बज़ाहरी या वो जो एक हमारा कल्चर है ना कि घरेलू लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ, वो सारा लग रहा है। वरना एक औरत दूसरी औरत को कभी नहीं कहती है खूबसूरत है। अगर वो आपको कहे कि चले हम इंडिया घूमने चलते हैं, फिर हाँ तो फिर तो चक्कर तो लगा लेंगे वो। तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो, मुझे अलग शौक है जबरदस्त। किस स्टेट जाएंगी, कौन सी सिटी विजिट करेंगी? गोवा के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ है और देखी है वीडियोस, मज़े का है। मतलब वहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद है कि वो एक राजस्थानी टाइप और मज़े का है, भेलपूरी, पानीपूरी और डोसा और सब कुछ बड़े मज़े का लगता है। आप क्या एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के बारे में, क्या जानती है, क्या ख्वाहिश है अगर वहाँ पे जाने का? मुझे नहीं पता, तो अगर जाऊँगी तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। मैंने तो अभी तक पूरा लाहौर नहीं एक्सप्लोर किया, तो इंडिया भी एक्सप्लोर करूँगी, बाद में मज़ा आएगा। तो उनके स्ट्रीट फूड के बारे में, मैंने उनका खाना देखा अच्छा होता, तो मुझे सारे पसंद है, हर कोई बॉलीवुड सुनता है, मुझे हर तरह के एक्टर्स और सब चीज़ें पसंद है। मेरे कोई स्पेसिफिक क्रश या वो नहीं है, तो लेकिन देखिए बंदे पर डिपेंड करता है ना, वो इतनी कोशिश करके मेरे लिए यहाँ पर अगर आ रहा है तो मैं भी उसका चली जाऊँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी जो वो चाहेगा। ठीक है जी, क्या बात है। इंडिया से प्रपोजल है, प्यार करता है आपसे बहुत, मैं शायद एक्सेप्ट ना करूँ। क्या कह के रिजेक्ट करेंगी? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया हमारा ऐसा ताल्लुक है, हम में बहुत ज़्यादा प्यार भी होना, तो वो एक रामलीला का एक डायलॉग था कि दुश्मन से मोहब्बत ने बाना हर किसी की बस की बात नहीं है, तो वो वाला फैक्टर आ जाएगा। बेशक हमारा मुल्क एक दूसरे के साथ लगता है, लेकिन क्लैशेस आपस में इतने ज़्यादा हैं कि हमारी फैमिली से एक्सेप्ट कर भी ले, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती बाहर आना जाना। हमारे काफ़ी क्रिकेटर्स भी हैं जिनकी वाइफ पाकिस्तान से या इंडिया से आपस में जो शादी की, ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सी लड़कियों ने लोग हैं, बट दे डोंट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट नहीं करते। आफ्टर ऑल जब पाकिस्तान इंडिया का मैच लेगा, मैं तो पाकिस्तान की शादी कर रही हूं और लड़ाई हर रोज होगी उस बात पे। अच्छा, जीतता तो इंडिया है भाई। हाँ, हम जितना मर्जी कह दें, मैं खुद कोहली की फैन हूँ, लेकिन फिर भी यार मैं क्या करूँ, बाबर आजम आई एम विद यू यार, मैं सपोर्ट कर। अगर मौका मिलता है इंडिया जाने का तो क्या एक्सप्लोर करेंगी? अच्छा, ताजमहल, आगरा। और फूड आइटम, उनके साड़ियाँ बड़ी मशहूर है, उनके घाघरे बड़े मशहूर है, इंडियन ज्वेलरी बड़ी ज्यादा जो है बहुत खूबसूरत है, मुझे उनकी ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैं पाकिस्तान में भी ढूंढ ढूंढ के ना, मैं नारकली बाजार में बहुत कम शॉप्स है जो इंडिया से आती हैं, वो भी इमरान खान का मसला आ गया था तो वो उन्होंने इम्पोर्ट करनी छोड़ दिया। मुझे बहुत, दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।